आज इस वीडियो में लॉकडाउन के 7 अमेजिंग बेनिफिट्स, गुड न्यूज, लर्न जो भी कहें वो जानेंगे। क्या हमने सीखा, हमने क्या, हमें गुड न्यूज मिला, क्या बेनिफिट्स हुई, हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इन सभी चीजों के बारे में डीपली जानेंगे। ओके, तो इस लॉकडाउन से जहाँ लोगों को खाने की किल्लत हो रही है, दिक्कत हो रही है, वहीं हमने शेयरिंग करना सीखा। पता नहीं इससे पहले लाइफ में किए हो या ना किए हो, इस लॉकडाउन में लेकिन हमने शेयरिंग करना सीख ही गए हैं। चाहे शेयर कर रहे हो किसी पर्सन को कोई भी चीज, या फिर एनिमल्स को फूड ही क्यों ना दे रहे हो, लेकिन हम लोगों ने शेयर करना सीखा है। किसी तरह अरेंजमेंट हो जा रही है इंसानों को खाने के लिए, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनको, एनिमल्स लोगों को खाने के लिए एकदम भी बहुत ही दिक्कत हो रही है। आप देखेंगे कि आपके आसपास के जितने भी एनिमल्स हैं वो बहुत ही भूख से चिल्लाते हैं, रोते हैं, मतलब एक बहुत ही अजीब सिचुएशन उन लोगों के बीच में बनी हुई है। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हम लोगों ने एक जो बहुत ही हमारे अंदर जो एक गुड न्यूज आई है, एक इम्पैक्ट पड़ी हमारी लाइफ में, वो है कि हम लोगों ने शेयरिंग करना सीखा। भले ही लाइफ में किए हो या ना किए हो आगे, लेकिन इस लॉकडाउन में हम लोगों ने शेयरिंग करना सीखा है। भले ही हमारे आसपास लोग ना हो जिसे हम शेयर कर सकते, लेकिन हाँ, एनिमल्स है जिसे हम शेयर कर रहे हैं, दे रहे हैं, फूड्स दे रहे हैं खाने के लिए, जो कि ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही एक बहुत ही इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट पड़ रही है हमारी लाइफ के ऊपर में, हम लोगों के ऊपर में। तो अगर आप सभी के आसपास भी कोई जानवर है तो प्लीज उन्हें जरूर फूड दे खाने के लिए। वो बेजुबान होते हैं और उन्हें समझना हम सबकी जिम्मेदारी कि हम उनकी भावनाओं को समझें और इंसानियत के खाए और इंसानियत के नाते उन्हें फूड जरूर दें, क्योंकि जिस तरह इंसानों को भूख लगती है उसी तरह जानवरों को भी भूख लगती है। तो दोनों को ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम किसी की भी मदद कर सकते हैं, मदद काम आ सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। ओके, सेकंड थिंग कि हम लोगों ने इस लॉकडाउन में हम लोग स्पिरिचुअल बने। बहुत से लोग जो स्पिरिचुअल नहीं थे वो इस कोरोना ने, इस लॉकडाउन की वजह से गॉड से और नजदीक आ गए और जुड़ गए, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। बहुत लोग टाइम ना होने के वजह से नहीं कर पाते थे पूजा पाठ, ये सब जो चीजें, स्पिरिचुअलिटी नहीं बन पाते थे, स्पिरिचुअल पर्सन नहीं बन पाते थे, टाइम नहीं मिल पाता है। घर की कुछ लेडीज करती थी इस तरह, लेकिन अभी क्या हो रहा है, या यूं कहें कि इस लॉकडाउन में हमें टाइम मिल गया है, या फिर यूं कहें कि डर भय के भी वजह से लोग गॉड से जुड़ रहे हैं, स्पिरिचुअल बन रहे हैं। तो जो भी रीजन हो, चाहे ये कोरोना हो या लॉकडाउन हो, लेकिन हमारे अंदर ये स्पिरिचुअलिटी की भावना आई है, स्पिरिचुअल बन रहे हैं, जो कि एक प्योर इंसान के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम एक बेहतर इंसान हम तभी बनते हैं जब तक हम स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, तब तक हम नहीं बन पाते। स्पिरिचुअल हमें गॉड से जोड़ती है, परमात्मा से जोड़ती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग इस लॉकडाउन में स्पिरिचुअल बन रहे हैं, क्योंकि एक इंसान की एक पीसफुल लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थर्ड इज दैट कि हम लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल आया। आप कहिए कि सेल्फ कंट्रोल कैसा आ गया। देखिए, सेल्फ कंट्रोल बात करें कि लेडीज और जेंट्स की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है। जेंट्स और लेडीज दोनों ही अभी जॉब करती हैं, काम करती हैं, सभी वर्कर वुमेन है, वर्कर मैन है, सभी लोग हैं, तो सभी लोग घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में, लॉकडाउन की वजह से हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल इस बेस पर आया है कि हम लोग, मतलब जो दिन भर बाहर रहते थे, वर्क करते थे, घर पे उतना रहते ही नहीं थे, फिर भी घर पे अगर एक से दो दिन या चार दिन भी रहते थे तो बोरिंग जैसा फील होने लगता था। कभी कोई वैकेशन या छुट्टी हो गई तो उस वक्त में, या कुछ तबीयत खराब हो गई तो उस वक्त में घर में रहना बहुत ही, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नहीं रह पाता था, एक या दो दिन रह पाता। लेकिन इस लॉकडाउन में हम लोग देखिए कि क्या हो रहा है, सेल्फ कंट्रोल आ गया। मतलब अब, मतलब कुछ, मतलब अब एक महीने होने जा रहे हैं इस लॉकडाउन के, कि अब एक महीने हो जाएंगे और 3 मई तक का अभी है, तो कहिए 22 तारीख को एक महीने पूरे हो जाएंगे और 3 मई तक ये और आगे बढ़े। इतने दिनों तक हमने अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करके रखा, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, आप लोग समझिए इस बात को कि हम लोगों ने क्या सीखा। हम लोगों ने अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखा, अपने सेल्फ कंट्रोल ने सीखा।
तो इससे ये बात बहुत ही ज्यादा सामने आती है कि अगर हम लोग किसी भी चीज पर कंट्रोल करना चाहे पाना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। ये कोई बहुत भी बड़ी बात नहीं है, मुश्किल होती है हाँ, पर ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है, इसे हम कर सकते हैं, कैन डू इट। तो ये चीजें हमारे अंदर आई है सेल्फ कंट्रोल, और इस सेल्फ कंट्रोल बता नहीं सकते हैं कि सेल्फ कंट्रोल कितनी बेनिफिशियल होती है, कितनी बेनिफिट्स होती है सभी फील्ड के लिए, चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, एनीथिंग मोर, कुछ भी हो, इसमें बहुत ही फायदेमंद होती है। क्योंकि सेल्फ कंट्रोल से ही रिलेशन भी अच्छे चलते, चाहे वो आपके घर के रिलेशन हो या बाहर में बिजनेस के रिलेशन हो, सभी बहुत अच्छे। अगर इस लॉकडाउन के दौरान हमने सेल्फ कंट्रोल करना सीख लिया, तो अगर इस लॉकडाउन से बाहर आते हैं तो लॉकडाउन में हम अपने टीचर्स को बहुत ही हाई लेवल पर ले जा सकते हैं इस सेल्फ कंट्रोल की वजह से भी। ये भी एक रीजन है, क्योंकि अगर हम कस्टमर से बात कर रहे हैं, उससे बात करते करते कुछ बातों में डिबेट कर लिए, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो सेल्फ कंट्रोल बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत ही अच्छी होती है, जो कि बहुत ही अच्छी साबित साबित होगी अभी लॉकडाउन, जब ये लॉकडाउन से बाहर जाएंगे। ओके, फोर्थ इज दैट कि इस लॉकडाउन में हमने भोजन को सेव करना सीखा, फूड को सेव करना सीखा। अगर खाना फेंकने जाते हैं तो मतलब ये जरूर ध्यान में आता है कि मैं इतना खाना फेंक रही हूँ, क्या पता शायद किसी ने ना खाया हो खाना, किसी के पास जाए, किसी के पास ना हो खाना खाने के लिए, और मैं ये खाना फेंक दे रही हूँ। मैं ये फेंकती नहीं हूँ, ये मैं शायद मैं किसी को दे ना पाऊँ, लेकिन अगर मेरे आसपास कोई जानवर है तो मैं उसे तो दे ही सकती हूँ, जिसका पेट भर जाए, इससे ये खाना वेस्ट ना हो, डस्टबिन में ना जाए। ऐसी मतलब हमारे अंदर माइंडली हमारे अंदर ये थॉट्स आ चुके हैं इस लॉकडाउन की वजह से। ये माइंडसेट बन चुका है लोगों का कि जो भी बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है इस लॉकडाउन में। इकोनॉमी तो लॉस हो रही, ठीक है, काफी प्रभाव पड़े, पर ये हमारे अंदर की इंसानियत को जगाया है इस लॉकडाउन ने, हमारे अंदर के इंसान को जगाया है इस लॉकडाउन ने, जिसे इंसानियत कहते हैं। लोग जगह जगह फूड पैकेट दे रहे हैं, तो कहीं लंगर लंगर करके भोजन दे रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। इसी ऐसी इंसानियत आम दिनों में कहाँ उतनी देखने को मिलती है। लॉकडाउन में हमें एकजुट कर दिया है लॉकडाउन ने, भले ही हम दूरी पर हैं, सोशल डिस्टेंस कर रहे, पर माइंड के लेवल पर हम तो एकजुट हैं एकदम। तो ये बहुत ही बड़ी इम्पैक्ट बोलिए, गुड न्यूज बोलिए, बेनिफिट बोलिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। फिफ्थ इज दैट इस लॉकडाउन में प्राकृतिक उभर कर सामने आई, हवाएं शुद्ध और साफ हो गई है, आकाश नीला दिख रहा, पॉल्यूशन लेवल बहुत ही ज्यादा डाउन हो गए, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये आपको जहाँ जहाँ जिस जिस देश में ये लॉकडाउन हुआ है, सभी देशों के पॉल्यूशन जो हो है वो बहुत ही अच्छी हो गई है, बहुत ही लो हो गई है। प्राकृतिक ने मानो ऐसा इस लॉकडाउन में जैसे कि दोबारा जीना सीख लिया, न्यू जिंदगी मिली हो इसे। इस पर मैंने एक सेपरेट ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन एनवायरनमेंट, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सिक्स्थ डेज इस लॉकडाउन में हमने क्या सीखा है, केयरिंग पर्सन हम बन गए हैं। जहाँ घर में लोग तो रहते थे पर टाइम ही नहीं मिल पाते थे, माँ बाप, दादा दादी, भाई बहनों, इन सभी के केयर करने का, देखभाल करने का, वक्त बिताने का, साथ में उन सभी रिश्तेदारों से जो हमने आज तक, इन सभी का हम लोगों ने ध्यान इस लॉकडाउन में हम लोगों ने रखना सीखा है, टाइम बिताना सीखा साथ में, ध्यान रख रहे उन रिश्तेदारों को, जिन रिश्तेदारों को हमने कभी कॉल करके बात तक भी नहीं की, तो खास करके आज हम कॉल करके पूछते हैं, केयर करते हैं कि कहीं इस कोरोना की वजह से उन लोग को कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही, तकलीफ तो नहीं हो रही, क्या हाल है वहाँ का, लोग कैसे हैं वहाँ के। तो मतलब हम लोग के अंदर ये केयरिंग ही आई है, जिसकी वजह से हम फोन कर रहे हैं, जिससे कभी बात तक भी करना नहीं चाहते थे, आज फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, घर में लोगों की केयर कर रहे हैं, सबके साथ टाइम बिता रहे हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। इतने लोग जो कोरोना से मर रहे हैं, ये सब देखकर गॉड से प्रे कर रहे हैं, केयरिंग भी तो है, इसलिए तो ऐसा कर रहे हैं कि गॉड मतलब गॉड से सभी लोग प्रेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सभी प्रेयर कर रहे हैं।
प्रेयर कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए, कोरोना खत्म हो जाए, जितने लोग भी परेशान है सब ठीक हो जाए। केयरिंग ही तो है, क्या है ये केयरिंग ही। ओके, सेवेंथ इज दैट बहुत से लोग इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, लर्नर बढ़ गए हैं, और सभी को ऐसा करना भी चाहिए, लर्नर बनना ही चाहिए, नई नई चीजें सीखनी चाहिए, ताकि जब ये लॉकडाउन हटे तो अपनी तरफ से हम 100% सीख कर रेडी हो, ताकि अपने इकोनॉमी में सुधार लाए, स्टूडेंट हो तो एग्जाम को क्रैक कर ले, बिजनेस हो तो अपने बिजनेस में जे कर लाए। यही तो वक्त है कि हम अपने फील्ड का भरपूर नॉलेज ले, उसे खोल कर पूरी तरह कि जैसे अपने ही फील्ड का क्यों नई नई चीजें सीखे, लर्नर करे। इस वक्त का वेस्ट, इस वक्त को बिल्कुल भी वेस्ट ना करे, जो इस वक्त को यूटिलाइज कर रहे हैं अपने वक्त को, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो इस वक्त का भरपूर फायदा उठाइए, इस वक्त को ये ना समझिए कि वेस्ट ऑफ टाइमिंग है, इतने दिन बेकार के मिल गए घर में, क्या करे कैसे करे, ये सब कुछ इस टाइम को यूटिलाइज किए, कुछ इफेक्टिव चीजें, कुछ प्रोडक्टिव चीजें सीखे, नई नई चीजें सीखे, कि इस लॉकडाउन के हटने के बाद हम 100 या 110% अपना बेस्ट दें, क्योंकि सभी चीजें मतलब संभालना बहुत ही मुश्किल है। इस लॉकडाउन के बाद में कितना वक्त लग जाएगा, क्या लग जाएगा, अगर आप 100% देंगे अपना, तो आप बहुत ही जल्दी ऊपर उठ सकते हैं, चाहे फिर आप कोई भी फील्ड में हो। तो इन सभी वक्त का भरपूर फायदा ले, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कीजिए कि आप लोगों के अंदर, आप लोगों ने क्या क्या सीखे, क्या क्या आप लोगों के अंदर इम्पैक्ट पड़ी है। तो इतनी सारी चीजें इस हमने लॉकडाउन में सीखी, फायदे हो रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक गुड न्यूज है। ये सभी चीजें प्राइसलेस है, जब जिसका कोई मोल ही नहीं, अनमोल चीजें सीखी है हमने। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कर। वीडियो पसंद आई है तो 1 लाइक जरूर कीजिए, और इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कीजिए, कि इस लॉकडाउन को सिर्फ एक ये ना समझे कि ये मतलब वेस्ट ऑफ टाइमिंग है, हमने क्या इसे प्राइसलेस चीजें सीखी है वो लोगों को पता चल सके, मालूम हो सके, तो जरूर से जरूर शेयर कीजिए। इसी तरह का वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। ओके, अब आप कमेंट में अपनी राय भी शेयर कर सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, क्या कौन सा टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय वो भी शेयर कीजिए, टॉपिक बताइए, सजेशन दीजिए, मैं आप सभी के कमेंट का वेट करूंगी। ओके, तो मिलते हैं फिर एक अगले टॉपिक के साथ। मैं निगार सदाना उम्मीद करती हूँ आपकी जो भी विषय जरूर पूरी हो, और मुझे इस पर यकीन है।